वीडियो की कंटिन्यू सीरीज में आज मैं मल्टीमीटर के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आगे की जितने भी आपके कंपोनेंट रहेंगे या कार के सेंसर रहेंगे, वायरिंग टेस्टिंग कैसे करनी है, तो ओवरऑल सारा सब कुछ बेस रहता है अपना मल्टीमीटर, या ये देख लीजिए आप टेस्टिंग लाइट रहती है। बट ज़्यादातर काम आज के टाइम में हम लोग मल्टीमीटर से ही करते हैं। तो जनरली मार्केट में ये थोड़ा लो कॉस्ट में रहता है, ये थोड़ा अच्छा वाला आता है, और इससे भी सस्ता एक और आता है, सो आपको वो मार्केट में मिल जाएगा। बट इसकी फंक्शनलिटी क्या होती है वो जनरली मैं आपको आज समझा देता हूँ। डिफरेंस नहीं आता है दोनों में, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, ऑप्शन सेलेक्शन में थोड़ा डिफरेंस आता है। तो एक बार आप आराम से समझ लीजिए मल्टीमीटर को आपको कैसे यूज़ करना है। तो नेक्स्ट सीरीज़ में जैसे आपके बाकी जो भी रहेगा वायरिंग का, सेंसर का, कंपोनेंट टेस्टिंग का, तो मल्टीमीटर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नो डाउट सोचिए कि आपके पास में एक ऐसा मल्टीमीटर है, तो इसमें काफ़ी तरह के साइंस आते हैं। ये देख लीजिए, बीच में एक बड़ा सा स्विच दे रखा है, ये नॉर्मल सा मल्टीमीटर है, ये थोड़ा सा अच्छा वाला है जिसमें काफ़ी एडवांस फीचर आते हैं, NCV वगैरह। तो ये अगर आप अच्छे हो, एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन हो, तो आपको इसके बारे में पता ही है और इसका कितना यूज़ है। ड्यूरेबली भी रहता है, लॉन्ग टाइम भी यूज़ होता है, लॉन्ग टाइम ख़राब भी नहीं होता है, ये लोकल वाला थोड़ा जल्दी ख़राब होता है। तो मैं आपको आज सारा बता देता हूँ इसमें कि साइन का किसका क्या आपको कैसे यूज़ करना है सारे स्विचेस के साथ में। अभी ये मल्टीमीटर है, इसको मैं अभी देखो आप अपने कार सेगमेंट में 20 वोल्ट पे हम लोग DC में चेक करते हैं। ये DC पावर है ऊपर की तरफ, ये जो आपने V देखा है, V के नीचे सीधी लाइन है, तो इसका मतलब हो गया है DC वोल्टेज पे अभी। तो इससे आप एक प्रोब आपकी यहाँ रहेगी, दूसरा आपका कॉम पोर्ट में रहेगा, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कितना वोल्टेज आ रहा है। जो बीच वाला पोर्ट है ब्लैक वाला, वो आपको बॉडी चेसिस के साथ में, अर्थिंग के साथ में रखना है, और जो कॉम पोर्ट है ये वाला, इस साइड वाला, ये आपको बैटरी वोल्टेज जहाँ पे भी आपको चेक करना है, कार के अंदर वायरिंग में वोल्टेज चेक करना है या कुछ भी चेक करना है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए जनरली आपको 20 वोल्ट पे, कार का ज़्यादातर 20 वोल्ट पे रहता है, बट आपका अगर ट्रक सेगमेंट है तो 200 वोल्ट पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आ जाइए आप कि आपको कुछ, मतलब जैसे कि किसी वायर में अर्थिंग प्रॉपर आ रहा कि नहीं आ रहा, या रिले से वहाँ तक कंटिन्यूटी आ रही कि नहीं आ रही, या कुछ ऐसा समझ लीजिए कि कोई PCB बोर्ड के अंदर कुछ कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट है या नहीं है, फ्यूज चेक करना है, तो आपको इस साइन पे चेक करना है, जो इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूटी। एक ऐसा सिग्नल आता है, ये ऐसा लगता है कि कोई नेटवर्क का सिग्नल है, वाईफाई वगैरह। तो इस सिंबल को आप समझना आराम से, ये वाला सिंबल है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें वापस आप अगर कहीं पे भी अगर दिक्कत आए, तो मैनुअल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारी, ठीक है ना। जिस वीडियो से रिलेटेड जो कंपोनेंट रहेगा उसकी मैं मैनुअल PDF के साथ में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आराम से एक बार आप आराम से पढ़ लेना, जिससे क्या है कि अगर अच्छी नॉलेज रहेगी, बेसिक अगर आपका अच्छा है, तो बड़े काम से आप डरोगे नहीं, ठीक है। तो ये है बैटर वाला मल्टीमीटर, ठीक है, ये साधारण सा ही है, बैटर वाला है। तो इसमें ये कंटिन्यूटी मोड हो गया। अभी आप चाहोगे कि घर में मेरे को AC करंट वगैरह चेक करना है, ठीक है ना, तो ये आता है V के नीचे, एक हल्का सा ऐसा कर्व शेप में सिंबल होता है, ये देख लीजिए आप, ठीक है ना, ये कर्व शेप में सिंबल है। तो इसके थ्रू आपको पता लगेगा कि घर में आपको, अगर आपका 240 वोल्टेज है तो आपको हाई पे रखना है, ठीक है ना, 600 वोल्टेज पे। अगर आपका लो वोल्टेज है, ठीक है ना, जैसे अगर आपको स्पीकर में वगैरह चेक करना है कि कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही, तो एज एनालॉग सिग्नल आपको AC पे चेक करना है, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं हम लोग ओम्स पे। ओम्स क्या काम करता है, रेजिस्टेंस कितनी बनी है वायर में, अगर वायर कोई वीक है तो उसमें रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम लोग ओम चेक करते हैं। कंटिन्यूटी नहीं होती है, ये एक तरह से बोलते हैं ना कि जब हम लोग PCB वगैरह में लगी हुई रेजिस्टेंस को चेक करते हैं कि वो रेजिस्टेंस कितने ओम की है, कहीं बढ़ तो नहीं गई शॉर्ट की वजह से, कहीं घट तो नहीं गई, या कोई रेजिस्टेंस कोई वैल्यू दे ही नहीं रही है, तब अपने को इस पे चेक करना है। ये वाला ओम का साइन है, आप आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें डिपेंड करता है कि आपका जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो कितना ओम का है, तो वैसे आपको सेट करके रखना होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का पूरा एक अलग से चैप्टर आएगा, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल आप एक मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करना, वो बेसिक एक बार आप आराम से समझ लीजिए, ठीक है ना। कार सेगमेंट में वायरिंग कैसे करते हैं चेक,
वो सारा सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा विथ वाइट बोर्ड के साथ में। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सर ECM रिपेयरिंग किया, कंपोनेंट चेक किया, बट फिर भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा। तो कई बार वायरिंग का इतना मेजर फॉल्ट रहता है कि अच्छे से इंसान समझ ही नहीं पाता, और जनरल वायरिंग वाले जो पुराने बंदे होते हैं वो किसी को ये टिप देते नहीं। तो ये सारा सब कुछ नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ये हो गया आपका ये ओम्स के बारे में। फिर आता है आपका एम्पियर। जैसे कभी कोई कस्टमर आपको कोई कंप्लेन करता है कि सर बैटरी खुद ब खुद ड्रेन हो रही है, ठीक है ना, और भी काफ़ी कुछ कंप्लेंस रहती है कि सर जैसे ऐसा हो गया कि गाड़ी ऑन करने के बाद में गाड़ी का कोई कंपोनेंट ज़्यादा वोल्टेज कंजप कर रहा है, आपको उसके बारे में नॉलेज होते हुए भी आपको पता नहीं है वो कितना कंजप कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग ECM को ऑन बोर्ड जब करते हैं तो क्या है ना कि देखो जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा ECM रिपेयर करना जानते हैं, तो उनके पास क्या रहता है ना, DC to DC कन्वर्टर रहता है। तो उसमें एम्पियर वोल्ट सेट करना, एम्पियर शो अप करना कि आपका ECM जो आपने ऑन बोर्ड किया है उसमें कितना क्या एम्पियर कंजप हो रहा है फिलहाल। वो जब ऑन बोर्ड रहता है, कोई कंपोनेंट अटैच नहीं रहता, सिर्फ हम लोग ऑन करते हैं ना, तब मिली एम्पियर में ECM एक वोल्टेज कंजप्शन करता है। तो वो चीज़ चेक करने के लिए ये आपका जो है ये एम्पियर काम आता है, ठीक है ना। तो इसमें पीछे एक लिखा हुआ है, ये आप ये देखिए। तो इसके लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर का प्रोब चेंज करना पड़ेगा। जो ये आपका कॉम पोर्ट होता है इसको आपको रिमूव करनी है, ये एम्पियर मोड पे लेके आना है आपको, ये एम्पियर मोड है, ठीक है ना। तो आपको इस साइड में डालना है और मल्टीमीटर को सीरीज मोड में रखना है। सीरीज मोड इट्स मीन्स क्या हुआ ना, जैसे कि ये समझ लीजिए कि गाड़ी में बैटरी ड्रेन हो रही है, आपको पता करना है। तो सीरीज लाइट डालोगे तो आज की जितनी भी न्यू जनरेशन की कार है तो उनमें क्या रहता है ना कि एक बार बैटरी स्पार्क होती है, जब हम लोग बैटरी न्यू डालते हैं ना तो एक बार स्पार्क होती है, तो हमें लगता है कि कुछ गाड़ी में फंक्शनलिटी ऑन है, जबकि वो ऑन रहती नहीं है। एक बार सिस्टम क्या होता है ना, बूट होता है, जैसे लैपटॉप वगैरह होता है, PC होता है। तो आज के जनरेशन में क्या, जितनी भी गाड़ी आई है जो पुश बटन वगैरह है, तो उनमें एक बार सिस्टम बूट होता है। तो इन द केस क्या होता है ना, अगर आप सीरीज लाइट वगैरह यूज़ करोगे तो वो कंटिन्यू जलती रहेगी, क्योंकि सिस्टम ऑन होने के लिए इतना पावर मिला नहीं और सिस्टम उस पावर को खींचता ही रहता है। तो अपने को लगता है कि रियल में गाड़ी में प्रॉब्लम, जबकि होती नहीं है कई बार, कई केसेस में। तो यही समझ लो कि उस समय आपको क्या करना है, ये कॉम पोर्ट है, ठीक है ना। अगर आप नेगेटिव के साथ में चेक करोगे, बैटरी नेगेटिव के साथ में सीरीज में, तो भी काम हो जाएगा। सीरीज कैसे काम में लेता है नेक्स्ट वीडियो में, कार वायरिंग में जब भी मतलब कार वायरिंग कैसे चेक करते, जो मैं आपको वीडियो टिप के साथ में बताऊंगा, उसमें सारा सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा कि सीरीज मोड और पैरेलल मोड ये सारे होते क्या हैं। तो वो मैं आपको वाइट बोर्ड पे विथ ड्राइंग के साथ में समझा दूंगा कि ये चीज़ें चेक कैसे करनी है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि आपको अगर एम्प्योर मोड में डाल के, मतलब एज ये समझ लीजिए कि ये दोनों कनेक्शन शॉर्ट हो जाएंगे, मतलब कितना लोड गाड़ी में, मतलब ऑफ कंडीशन में जिसको हम लोग बोलते हैं कंजप्शन लोड, तो वो लोड कितना है अभी, कितना मिली एम्पियर में या एम्पियर में, ठीक है ना। ऑफ कंडीशन में गाड़ी मिली एम्पियर में कंजप्शन करती है, क्योंकि उसमें एक मेमोरी वायर होता है जो गाड़ी की बाकी फंक्शनलिटी जितनी भी रहती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि हम लोग ट्रिप जैसे गाड़ी ऑन करते हैं, उसका टाइमर, घड़ी घड़ी हमेशा अपने कंटिन्यू, जैसे लैपटॉप में वगैरह होती है वैसे कंटिन्यू शो करती है, कभी वापस शुरू से शो चालू नहीं होती। जैसे आप बैटरी वायर हटा के डालोगे तो वो सीधे ही आपको 12 o'clock दिन का, ठीक है ना, PM 000 करके आएगा और वहाँ से रीसेट हो जाती है, फिर अपने को सेट करनी पड़ती है। तो उसका एक मेमोरी वायर चलता है। ये समझ लीजिए कि हम लोग ना रेडियो में कोई FM वगैरह सेट करके रखा है, या कोई हम लोग मेमोरी कार्ड वगैरह डाल के रखे हैं, तो जहाँ से जो सॉन्ग बंद हुआ है वहीं से वापस चालू होता है, ये होता है मेमोरी वायर। तो ये गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी फंक्शनलिटी होती है, जैसे सेंट्रल लॉकिंग होती है, पुश बटन गाड़ी है तो उसमें ये समझ लीजिए कि बाकी जो वायरलेस एंटीनाज होते हैं, तो BCM हर दम ऑन रहता है जब तक गाड़ी खड़ी है ऑफ कंडीशन में, तब तक कंटिन्यू ऑन रहता है। तो कंजप्शन कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये एम्पियर मोड पे अपने को पता लगता है। तो मल्टीमीटर आपको बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि अपने को मल्टीमीटर से ये सारी चीज़ें कैसे चेक करनी है। सीरीज लाइट पे अगर चेक करोगे, पुरानी गाड़ियाँ होती थी नो डाउट, मैं नहीं बोलता, ठीक है ना, लेकिन नई जनरेशन की गाड़ियाँ आज के डेट में अगर आपको एक्यूरेसी लेवल में चेक करना है तो मल्टीमीटर से कर पाओगे। सीरीज लाइट कहाँ यूज़ करनी है, आपको वायरिंग कैसे चेक करते हैं, उस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि टेस्टिंग लाइट आपको कब यूज़ करनी है,
कई केसेस में करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह मल्टीमीटर ही काम आए, कई केसेस ऐसे होते हैं ना जब समझ से बाहर हो जाते हैं, तब अपने को सीरीज लाइट भी काम में लेनी पड़ती है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग टेस्टिंग लाइट को यूज़, वो मैं आपको सारा सब कुछ डिटेल में बोर्ड पे समझाऊंगा ऑन वर्किंग। अब नेक्स्ट में आ जाता हूँ मैं आपको, अभी आपको मैंने ओम्स के बारे में बताया, कंटिन्यूटी बताई है, और एसी वोल्टेज और एम्पियर के बारे में बताया। फिलहाल ये समझ लीजिए कि इतने में जो मैंने आपको अभी बेसिक बताया है मल्टीमीटर का, तो इतने में आपका 90% वर्क हो जाएगा। इससे एक्स्ट्रा में मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कार की वायरिंग, कार के बेसिक प्रिंसिपल, कैसे गाड़ी चालू होती है, TDC BDC और बाकी जितने भी कार के सेंसर रहते हैं उनका वर्किंग एरिया, आज के डेट में नए सेंसर कौन कौन से गाड़ी के अंदर इम्प्लीमेंट हुए हैं, कितने वायर के होते हैं, क्यों लगते हैं, ठीक है ना, सारा सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा। थैंक यू।